बी अवेयर। यदि आप डायबिटीज के मरीज हैं, जो कि इंडिया में बहुत कॉमन है, क्योंकि हर त्यौहार में यहाँ मिठाई तो हर चीज़ में, हर खुशी में मिठाई तो बांटनी ही है, तो डायबिटीज के मरीज की संख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, दिल की बीमारी, नर्व की बीमारी, किडनी की बीमारी। जब किसी पुरुष को यदि सेक्स की प्रॉब्लम है, ईडी की प्रॉब्लम है डायबिटीज की वजह से, तो उन्हें हर तरह के बीमारियों का चेक होना चाहिए कि दिल की कोई बीमारी तो नहीं है, नर्व की कोई बीमारी तो नहीं है, किडनी की कोई बीमारी तो नहीं है। ईडी बहुत जल्दी शुरू हो जाती है यदि नर्व और वेसल्स इफेक्ट होती है, क्योंकि पतले पतले खून की नली होती है पेनिस में। तो शुगर की बीमारी से पीड़ित हैं, डायबिटीज की बीमारी से पीड़ित हैं, तो ये वीडियो देखें और अपने को अवेयर करें, क्योंकि बहुत सारे 25 से 30 से 35 से 40 से 45 के पुरुष आते हैं सेक्स की प्रॉब्लम से लेके, इम्पोर्टेंस की प्रॉब्लम से लेके, तरह तरह के मेडिसिन खा के, तरह तरह के इंजेक्शन लगा के, कोई काम नहीं करती है। क्यों, आखिर क्यों ऐसा क्यों होता है कि डायबिटीज के मरीज में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि नर्व इफेक्ट हो जाती है और इम्पल्स जाती नहीं, खून की नली नैरो हो जाती है, मर्द की हार्मोन कम हो जाती है, दिल की प्रॉब्लम हो जाती है, नर्व की प्रॉब्लम हो जाती है, खून की नली का लेयर जो होता है वो उसमें केमिकल्स रिलीज होना बंद कर देते हैं, जो मेल हार्मोन होता है उसकी कमी होने लगते हैं और मेल हार्मोन का इफेक्ट होना बंद कर देता है। सिंगल नहीं आता सिग्नल, यदि तार कनेक्टेड भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, तो उसका सिग्नल काम नहीं करता है। और ग्लूकोज जो बढ़ जाती है, उसका जो इन प्रोडक्ट होता है वो इंडोथेलियल के हेल्थ को, खून की नली के हेल्थ को इफेक्ट करती है, और बहुत सारे केमिकल्स चेंज होते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होते हैं। तो इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होते हैं जिसके कारण मेडिसिन और इंजेक्शन डायबिटीज के पेशेंट में काम नहीं करती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी, आप देखे होंगे कि नर्व झुंझुनापन आता है, पैरों में झुंझुनापन होता है, और डायबिटीज फुट अल्सर भी हो सकती है यदि ब्लड शुगर आपकी बहुत लंबे समय से बढ़ी हुई है। बॉडी के सारे नर्व इफेक्ट होते हैं, ये सारे नर्व है वो डिस्कनेक्ट होने लगते हैं, उसका इम्पल्स जाना कम हो जाता है। यदि कोई भी वायरिंग है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो लाइट नहीं जलेगी, क्योंकि वायरिंग का कनेक्शन, सर्किट का कनेक्शन जरूरी है, तभी लाइट जलती है। ये देखिए पेशाब के रास्ते में कितने सारे नर्व और खून की नली है, ये ब्लैडर है, ये प्रोस्टेट है, ये पेनिस है, तो कितने सारे नर्व और खून की नली आते हैं ब्लैडर में, प्रोस्टेट में और पेनिस में, और उसमें बहुत सारे मसल्स होते हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं यदि डायबिटीज बहुत है। खून की नली डैमेज होता हो जाती है, नर्व डैमेज हो जाती है। और ये देखिए ये टेस्टिस है, अंडकोश है, जिससे मर्दाना हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन होती है, जो सेक्स हार्मोन होती है वो रिलीज होती है, वो टेस्टिस जो होती है एट्रोफी होने लगती है डायबिटीज में, छोटी होने लगती है और सेक्स हार्मोन डाउन होने लगता है, तो उनकी जो लिबिडो होती है, इंटरेस्ट होती है, इरेक्शन होती है वो कम होने लगती है। ये खून की नली भरी हुई है, पेनिस में खून की नली का जाल है और इसमें ब्लड फ्लो होती है, तो ब्लड फ्लो होगी तो ट्यूब जो है वो इरेक्ट होगी, और जब ये नली नैरो हो जाती है, खून का फ्लो कम हो जाता है, इस तरह की फ्लो नहीं होती है, और खून की नली जो होती है, दिल की नली जो नैरो हो जाती है, दिल भी अफेक्ट हो सकती है, खून की नली सारे नैरो हो जाते हैं तो हार्ट अटैक भी हो सकती है। ये देखिए ये नॉर्मल आदमी की खून की नली है, ये देखिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है डायबिटीज के पेशेंट को और खून की नली नैरो हो जाती है। ये खून की नली नैरो हो जाती है तो ब्लड फ्लो जो होती है पेनिस में, ब्लड फ्लो जो होती है वो कम होती है और ये इरेक्शन नहीं होती है, ऐसे ही रहती है। तो जब ये ब्लड फ्लो नहीं होगी, ब्लड फ्लो इस तरह होगी अच्छी तरह, तो ये इरेक्शन होगी। यदि ब्लड फ्लो नहीं होगी, कम हो जाएगी, तो इरेक्शन नहीं होगी, ये डाउन हो जाएगी। इसी तरह बहुत सारे छोटे छोटे खून की नली होती है
वो डैमेज हो जाती है, और ये पेनिस की जो मसल होती है, पेनिस में जो मसल होती है वो डैमेज हो जाती है, तो इरेक्ट वो उसमें ब्लड फ्लो होती नहीं है और मसल जो है उसमें स्ट्रेंथ आती नहीं है। ये देखिए, ये बहुत सारे वेसल्स होते हैं, खून की नली होती है, इतनी इतनी माइक्रो वेसल्स होते हैं, जाल बिछा हुआ होता है, ये जब ब्लॉक हो जाएंगे तो ब्लड फ्लो नहीं होगा, जब ब्लड फ्लो पेनिस में नहीं होगा तो इरेक्शन नहीं होगी। बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं, ये देखा होगा आपने बैटरी को, बैटरी में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, उससे इलेक्ट्रिक एनर्जी निकलती है और लाइट जलती है, तो बैटरी में जो केमिकल्स एनर्जी होती है उससे लाइट जलती है, उसी नर्व जो होती है, नर्व के एंड से बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं और उससे खून की नली खुल जाती है, फूल जाती है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है, लेकिन ये केमिकल्स जिसे होते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड वो रिलीज नहीं होती है, क्योंकि मेडिसिन जो काम करती है वो इसी केमिकल्स के थ्रू काम होती है, जब ये केमिकल्स ही रिलीज नहीं होंगे तो मेडिसिन कहाँ से काम करेगी। तो जब ये होता है तो इसमें मेडिसिन काम ना करे, इंजेक्शन काम ना करे, क्योंकि सक्शन इरेक्शन डिवाइस भी काम नहीं करती है, क्योंकि उसमें हिमाटोमा होने का चांस होता है, तो लास्ट में पेनाइल इम्प्लांट की ज़रूरत पड़ती है, और कभी कभी यही फाइनल आंसर होता है, और इसमें किसी को डिप्रेस नहीं होनी चाहिए, यदि कुछ काम ना करे फिर भी ज़िंदगी है, उसके बियॉन्ड भी ज़िंदगी है, लेकिन इसके साथ ही ब्लड प्रेशर और डायबिटीज को कंट्रोल ज़रूर करें, अपने खान पान को कंट्रोल ज़रूर करें, आप थोड़े वार्म एक्सरसाइज, अपने को वार्म एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग में एक्सरसाइज करें, इवनिंग में एक्सरसाइज करें, योगा करें, फल वेजिटेबल्स पे ज़्यादा जोर दें, ब्लड शुगर को बिल्कुल स्ट्रिक्टली कंट्रोल करें, तो स्मोकिंग अल्कोहल को अवॉइड करें और अपने हेल्थ को कायम रखें, तो आपकी ज़िंदगी भी लंबी रहेगी, आपकी ज़िंदगी हसीन भी लंबी रहेगी और सेक्स लाइफ भी लंबी रहेगी। बी अवेयर एंड बी ब्लेस्ड। थैंक यू।